हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सी प्रोग्रामिंग का चैप्टर 10। इसमें हम पढ़ेंगे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। आइए देखते हैं क्या होता है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन वो होता है हमारे सी प्रोग्रामिंग में, जैसे कभी कभी हमें किसी प्रोग्रामिंग को फंक्शन के टाइम पे डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर ये कंडीशन सही है तो ये प्रिंट कराओ, अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो ये प्रिंट कराओ, इस टाइप के डिसीज़न। तो ये हमारा है, ये है फर्स्ट डिसीज़न कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसमें जो कि है द इफ़ स्टेटमेंट। सी यूजेस द कीवर्ड इफ़ टू इम्प्लीमेंट द डिसीज़न कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सी यूज़ करता है कीवर्ड इफ़ को डिसीज़न कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए। द जनरल फॉर्म ऑफ इफ़ स्टेटमेंट लुक लाइक दिस। जो इफ़ स्टेटमेंट है उसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे लिखा है इफ़, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है दिस कंडीशन इज़ ट्रू, फिर लिखा है एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब तो है जैसे हमारा जो डिसीज़न कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इफ़ है वो पहले लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम अपना कंडीशन कि हमें कंडीशन कौन सी चेक करनी है, और अगर ये कंडीशन सही है तो उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये सही नहीं है तो फिर ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वही चीज़ हमारा सेकेंड लाइन लिखा है, द कंडीशन फॉलोइंग द कीवर्ड If is always enclosed within a pair of parentheses। मतलब जो C का कंडीशन है वो हमेशा parentheses के बीच में ही लिखा जाएगा, उसके बाहर हम नहीं लिख सकते हैं। जो कंडीशन होगा ये जो दो parentheses हैं इनके बीच में ही लिखा जाएगा। थर्ड है, इफ़ द कंडीशन वॉट एवर इट इज़ ट्रू देन द स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड। अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो फिर इसके अंडर जो ये स्टेटमेंट लिखा है ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स रहेगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, देखिए लिखा है हमने हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी होता है जो कि फाइल्स को इंक्लूड करता है। फिर हम लिखा है इंट में, जहाँ से हमारे प्रोग्राम स्टार्ट होती है। हमने एक वेरिएबल लिया है नम, जो कि इंटीजर है, इसको हम इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं बाद में। फिर हमने प्रिंट एक वैल्यू प्रिंट कराने के लिए लिखी हुई है, एंटर अ नंबर लेस देन 10, मतलब हमें ऐसे नंबर एंटर करने हैं जो 10 से कम है, फिर वो नंबर प्रिंट होगा स्कैनफ के अंदर। फिर ये हमारा इफ़ कंडीशन है कि इफ़ जो हमने नंबर प्रिंट कराया है वो 10 से अगर कम है तो ये हमारा लिख गया है, प्रिंट हो गया है, और अगर ये नंबर 10 से ज़्यादा होगा तो कुछ भी लिख के नहीं आएगा, और जो नंबर लिख के आएगा वो यहाँ पर रिटर्न होगा। यही हमारा प्रोग्राम है, इसको आगे हम अपने सी कंपाइलर में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। एग्जांपल चलिए आपको जो हमने अभी लिखा था पीछे उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपने पीसी में। चलिए हम खोल लेते हैं अपना डेवलपर सी, इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लिखना। यहाँ से हमने अपना प्रोग्राम लिया, स्टार्ट कर दिया है। हमने एक वेरिएबल लिया इंट नम, इसके भी हम लोग वैल्यू डिफाइन नहीं किए हैं, हम इसमें कोई भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। आगे हम प्रिंट करा रहे हैं नंबर्स, इसको हम लिखते हैं प्रिंट एफ के अंदर, जो भी हमें लिख के प्रिंट कराना होता है। एंटर नंबर लेस देन 10, हमने पिछले प्रोग्राम में भी यही लिखा था, जो कि स्कैनएफ के अंदर स्टोर होके हमारे स्क्रीन पे आएगी। इसको हम डिफाइन करते हैं
स्कैनफ परसेंट डी और हम प्रिंट कराते हैं नाम की वैल्यू। फिर ये हमारा है इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट कह सकते हैं। ये दो पैरेंथेसिस के बीच हम कंडीशन लिखेंगे जो कि है इफ नम लेस देन 10। अगर नंबर जो हम एंटर करेंगे या जो हम इस जो इंट नम लिखा हुआ है उसके अंदर जो भी हम नंबर एंटर करेंगे अगर वो 10 से छोटी है तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। प्रिंट हो जाए व्हाट 10 ओबीडिएंट स्टूडेंट यू आर। यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, मैंने सिर्फ एक जनरली लिख दिया है। और अगर हम नंबर प्रिंट कराएंगे और अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो ये हमारा लिख के प्रिंट होगा आउटपुट। हम रिटर्न कराते हैं 0 क्योंकि हमने ऊपर इंटीजर वैल्यू ली थी और इंटीजर वैल्यू हमेशा रिटर्न कराती है। चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल करने से पहले हमें सेव करना होगा जो कि हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सेकंड लिख मैंने यहाँ सेकंड लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आया है, हाँ यहाँ पे हमने सेमी कोलन लगाना भूल गई मैं, उसको लगाते हैं। चलिए देखिए ये कंपाइल हो चुका है, यहाँ पे हमारे वार्निंग और एरर सारे 0 हैं। इसको अब हम रन कराते हैं। ये हमारा कुछ प्रोसेस देखिए यहाँ पे आ गया इंटर नंबर लेस देन 10। यहाँ पे हम कोई नंबर प्रिंट करा सकते हैं, जैसे मैंने प्रिंट कराया 8, सॉरी यहाँ मैंने 8 प्रिंट कराया, एंटर किया। देखिए ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हुआ क्योंकि 8 10 से छोटा है तो ये हमारा प्रिंट हो गया है व्हाट एन ओबीडियंट स्टूडेंट यू आर। ऐसे ही है ये हमारा इफ स्टेटमेंट काम करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कर सकते हैं। ये मैंने एक जनरल एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।